एक फाइनल आप बोल सकते हो, फाइनल जवाब इन दिस माहौल जो अभी चल रहा है, ठीक है। हाँ, अपना नुकसान किसी भी एंगल से मत कीजिएगा प्लीज। आप जो है वो समझदार भी हैं और मैच्योर भी हैं, ठीक है। एक होता है छोटे बच्चे हो तो कहानी समझ में आती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस टाइम पीरियड इज वेरी क्रूशियल, समझना है। तो इसमें कहीं और पार्टिसिपेट मत कीजिएगा प्लीज, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। मतलब मैं यही बोल सकता हूँ सिर्फ। इच्छा होती होगी आपकी, नई वीडियो कोई आई है, कैसा देखते हैं, क्या हो रहा है, उनका कुछ मतलब नहीं है। आप आज से 3 महीने बाद या आपसे 1 साल या 6 महीने बाद में देखोगे, यू विल ऑल्सो से कि सर उस बात का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बेबुनियादी वो बातें थी, समझ में, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए प्लीज। और इन चीज़ों को तो जस्टिफाई किया भी जा सकता है, समझ में, बट तुम्हारे साथ मेहनत ना करना उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा जो रेमेडी है ना, सबसे बड़ी जो मतलब खुशी जो होगी वो ये होगी, जब तुम लोग यहाँ पे ऐसे लाइन से फोटो लगेगी सिलेक्शन वाले दिन, तुम लोग यहाँ खुद आके अपनी बातें बताओगे, दैट इज एक फाइनल आप बोल सकते हो, फाइनल जवाब या फिर जवाब जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। वो है वो चीज़। और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, और सिर्फ पढ़ाने पे हम लोग ध्यान देने, समझ में। ज़्यादा फालतू की बातों पे मत ध्यान दीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है बेटा। अब की गई मेहनत डायरेक्टली आपको आपके रैंक को ऊपर नीचे कर सकती है। आपने टाइम अगर थोड़ा ख़राब किया तो रैंक नीचे भी आ जाएगी। अभी भी जान लगा दी, दिन में 12-12 घंटे, अभी भी 10 दिन है, तो और आगे निकल जाएगी।